दोस्तों मीडियाटेक ने अपना एक चिपसेट जो यहाँ पे लॉन्च कर दिया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस। इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा इनमें आपको क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन अभी जो है आई है सामने, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। तो चलते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है मीडियाटेक की वेबसाइट में उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की। ये जो है आपको जून 2022 यानी जो है आज ही आपको देखने को मिला है और मैंने आज ही इस वीडियो को जो है पब्लिश किया है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जो है आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। प्रोसेस की बात कर लेते हैं। 4 nm पे बना हुआ चिपसेट है। आर कोर जो है आपको देखने को मिलते हैं, 64-bit आर्किटेक्चर में बेस्ड है। आर वर्जन कौन सा है ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है, हो सकता है इसमें आपको जो है आर वर्जन 9 देखने को मिले। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, एक कोर आपको मिलता है आर्म कोर्टेक्स X2 लेटेस्ट कोर है, 3.2 GHz पे क्लॉक्ड है। और 3 कोर आपको मिलते हैं आर्म कोर्टेक्स वाले 710 वाले, जो कि दोस्तों 2.85 GHz पे क्लॉक्ड है। और बाकी के 4 एफिशिएंसी वाले कोर हैं आर्म कोर्टेक्स A510 वाले, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है आपको 1.8 GHz की देखने को मिल जाती है। GPU की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मिलता है आपको आर मालिका G710 MC10। फ्रीक्वेंसी कहीं मेंशन नहीं की गई है तो यहाँ पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रैम सपोर्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मिलती है LPDDR5X वाली रैम। ये रैम दोस्तों आपको जो है जो LPDDR5 वाली रैम थी उससे जो है 20% दोस्तों ज़्यादा जो है पावर एफिशिएंट है। इसकी मैक्सिमम मेमोरी फ्रीक्वेंसी आपको जो है 7500 MBPS की देखने को मिलती है। कौन सी चैनल की रैम है नहीं बताया गया है और रैम की वैसे फ्रीक्वेंसी कितनी है एग्जैक्ट वो भी जो है कहीं मेंशन नहीं की गई है। कैमरा सपोर्ट की बात कर लेते हैं, इसमें आपको सिंगल कैमरा जो है 320 MP का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर जो है डुअल और ट्रिपल कैमरा कितना सपोर्ट करेगा ये कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जो है आपको 4K तक का जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। 60 FPS में आप HDR+ में जो है वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और 8K में जहाँ तक मेरा ख्याल है 24 FPS में भी जो है आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, मैंने जो और वेबसाइट में भी देखा था। तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिस्प्ले जो है Full HD+ में जो है आपको 180Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और अब आपको बता दूँ इसमें जो है WQHD+ में जो है आपको 144Hz का जो है रिफ्रेश रेट जो है मैक्सिमम देखने को मिलेगा। APU की बात कर लेते हैं, AI के लिए इसमें मिलता है MediaTek का जो है 5th generation APU, APU 590। सेलुलर टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं, इसमें आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 3cc कैरियर एग्रीगेशन मिलता है जो कि 5G में काम आएगा, 300 MHz तक, बाकी सब 6 GHz का जो है सपोर्ट मिल जाता है। MMWave का सपोर्ट दोस्तों इसमें मिलता है नहीं मिलता मैं कंफर्म नहीं हूँ, बाकी 4G 3G और जो है 2G जितने भी नेटवर्क होते हैं वो जो है आपको इसमें सारे के सारे जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको मिलता है UFS 3.1 तक का सपोर्ट। डाउनलोड अपलोड स्पीड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको जो पीक डाउनलोड स्पीड है 7 GBPS की मिलेगी और अपलोड स्पीड जो है आपको 2.5 GBPS की देखने को मिलने वाली है। वाईफाई ब्लूटूथ की बात कर लेते हैं, इसमें मिलता है आपको Wi-Fi 6E जो कि लेटेस्ट है, Bluetooth 5.3 जो भी जो यहाँ पे लेटेस्ट है। नेविगेशन की बात कर लेते हैं, नेविगेशन में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है लगभग सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है आपको नाविक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है इतनी ही इन्फॉर्मेशन अभी सामने आई है, बाकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो जो है उतने मैटर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आपको यहाँ पर जो बेसिक फीचर होते हैं जो एकदम ज़्यादा मैटर करते हैं वही मैंने आपको बताए। यहाँ पर जो है मैं इनके अंतर्देश को नहीं बता सकता, Geekbench नहीं बता सकता, बाकी इसका कंपेरिजन मैं अगली वीडियो में करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इसका जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 इसका कंपेरिजन करूँगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, नहीं आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कमेंट में आपको जो पसंद क्यों नहीं आया। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बैठे रहना ख्याल रखिएगा।